बाहर से अंदर नहीं आता है, नेवर। ज्ञान बाहर से कभी भी नहीं आता है, अंदर से ही बाहर जाता है ज्ञान। बाहर से इंफॉर्मेशन आती है, बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर आती है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखिए उसकी कैसी स्टेज है। ज्ञान अनुभूति के बगैर प्राप्त नहीं होता है, एक अनुभूति होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस है ना, अनुभूति नहीं है। अनुभव जिसको कहते हैं वो नहीं है अनुभूति। अनेक अनुभवों से, बहुत सारे एक्सपीरियंस से एक ही चीज दिखाई देती है कि जो व्यक्त करना नहीं आता है, मगर अंदर समझ में आने लगता है कि अरे हाँ ये है, ये सही धा है, ये तीट है। हाँ, ये सब समझ में आने लगता है तो ज्ञान नाम की चीज अनुभूति के। और अनुभूति भी कितनी, ढेर सारी। तो ढेर सारी अनुभूति से ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभूति साधना के बगैर प्राप्त नहीं होती। अगर साधना ही नहीं रहे तो अनुभूति काय काम की, कैसे प्राप्त होगी? फिर साधना करने के लिए है। क्या आवश्यक है? साधना प्राप्त करने के लिए संस्कार प्राप्त है होना आवश्यक है। और संस्कार देखिए कैसे, ज्ञान अनुभूति के बगैर नहीं, अनुभूति साधना के बगैर नहीं, साधना संस्कार के बगैर नहीं, और संस्कार गुरु के बगैर नहीं। तो एस्थेटिक नाम की चीज है कि घंटे घंटे गुरु के सामने बैठे रहिए और गुरु कैसे पानी पीते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं। नहीं तो क्लासरूम में जाके एक राग सीख कर आए और घर आए, कोई मतलब नहीं है। गुरु का, गुरु के साथ श्रवण और सहवास, ये दोनों चीजों से ही संस्कार प्राप्त होते हैं। और तभी तो पता लगेगा कि एस्थेटिक नाम की चीज क्या है, नहीं तो नहीं मालूम पड़ता। एस्थेटिक के बारे में बहुत बार, एस्थेटिक के बारे में होता है कि सुंदर तो बहुत सारे लोगों को लगती है रचना, अरे क्या सुरेख है। लेकिन दर्जा उसमें समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अरे ये बात सुंदर है लेकिन फिल्मी है, वो अपने दरबारी राग में कैसे चलेगी, नहीं चल सकती है। और इस तरह ताल के संस्कार आवश्यक है। ताल में योग्य अयोग्य क्या है ये गुरु ने बताना बहुत आवश्यक है। सिर्फ कायदा 10 कायदे दिए, 15 उसका विस्तार बताया है, यही बताइए, इससे नहीं होता है। कायदे का मतलब ताल के साथ, आवर्तन के साथ कैसे जा रहा है, वो बहुत बहुत आवश्यक क्रिया मानी जाती है।